हाय फ्रेंड्स, भवंस कॉलेज के करियर काउंसलिंग में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोर्स के बारे में। दोस्तों, आप बचपन से ही टीवी देखते आ रहे हैं, साथ साथ रेडियो भी आप बहुत इंजॉय करते हैं। आपको कई बार लगा होगा, काश मैं भी टीवी पर होता, क्या मज़ा आता। बस अगर आपको यह सपना साकार करना है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करो। मास कम्युनिकेशन यानी लोगों तक खबरें पहुंचाने के मुख्यतः दो माध्यम हैं, प्रिंट मीडिया जो कि न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह से जुड़ा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो और टेलीविज़न आता है। इस कोर्स में हम मुख्यतः आरजे और वीजे बन सकते हैं। जो रेडियो में माइक के सामने बोलता है उसे आरजे कहते हैं, और टीवी में जो कैमरे के सामने बोलता है उसे वीजे या वीडियो जॉकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप रेडियो या टीवी प्रेजेंटर कहलाते हैं। 12th पास करने के बाद आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा। इस दौरान हम आपका ऑडिशन टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं, समझाते हैं क्या आप रेडियो या टीवी प्रेजेंटर बन सकते हैं या नहीं। आपके अंदर की कमियां भी आपको पता चलती हैं जिसे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान दूर करनी है, और आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके एक कॉन्फिडेंट एंकर बन सकते हैं। सिलेबस को समझना है तो इसमें 8 पेपर्स हैं। पहला लैंग्वेज फॉर मीडिया इंग्लिश, दूसरा मीडिया की भाषा हिंदी, मीडिया में इंग्लिश और हिंदी को सही बोलना और सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पेपर है ग्रूमिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, इससे आप समझ ही गए होंगे। चौथा पेपर है रेडियो एंड टेलीविज़न प्रेजेंटेशन, यह प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है मेरे यार। पांचवा पेपर है लाइफ मैनेजमेंट, यहाँ हम आपको एक अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग देते हैं। छठा पेपर है ह्यूमन कम्युनिकेशन, सातवां पेपर है रेडियो एंड टीवी प्रोडक्शन, इसमें आप सभी इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं और शूटिंग, एडिटिंग वगैरह खुद करते हैं। और अंत में आता है जर्नलिज्म एंड प्रिंट मीडिया, ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज के बिना आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगे। रेडियो टीवी चैनल ज्वाइन करना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, घबराना नहीं, मैं हूँ ना, आपको यू प्रोफेशनल बना देंगे। और इस कोर्स के करते करते आप क्रिस्पॉन्डेंस से या ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अब भी ऑनलाइन अप्लाई करो या ऑफिस आकर मिलकर तसल्ली से फॉर्म भरो। जल्दी करो, कंपटीशन बहुत होता है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।